कई मायनों में इस बार की दिवाली सैनिकों के नाम है और देश भर से अपील करी है प्रधानमंत्री ने कि वो अपने संदेश भेजें जवानों को। लेकिन इसी से जुड़ी हुई खबर हम आपको बता दें कि जिस तरह से पाकिस्तान लगातार गुस्ताखी कर रहा है उसका करारा जवाब भी भारत की ओर से दिया जा रहा है। बीएसएफ ने पाकिस्तानी फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया है और 15 पाकिस्तानी रेंजर्स को मार गिराया है। जवाबी फायरिंग ने पाकिस्तानी पोस्ट को भारी नुकसान पहुंचा है। साथ ही आपको बता दें कि बीएसएफ के एडीजी की ओर से बयान आया है, पाकिस्तान की ओर से भारी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। खुफिया अलर्ट के बाद बड़े केंद्रीय मंत्रियों ने यह फैसला लिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से नुकसान पहुंचा है सीमा पार पाकिस्तान के रेंजर्स को और साथ ही जहां पर भारत की ओर से मोर्टार दागे गए हैं वहां पर किस तरह से पाकिस्तान ने मुंह की खाई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि पाक को मिला करारा जवाब। जवाबी फायरिंग में 15 पाक रेंजर्स ढेर। रेंजरों की वर्दी में पाकिस्तानी आर्मी। भारत ने पाकिस्तानी करतूतों का करारा जवाब दिया है। आज देख सकते हैं पाक में तबाही की तस्वीरें। कई घरों को भी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तानी सेना की करतूतों से वहां के लोग भी त्रस्त दिखे। पाकिस्तान ने कल शाम से नापाक फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। 15 पाकिस्तानी रेंजर्स ढेर हुए, कई जख्मी हुए। पाकिस्तान की सीमा में एम्बुलेंस की हलचल भी देखी गई, जिससे साफ हो गया कि पाकिस्तान को उसके गुस्ताखी का भरपूर जवाब मिला है। पिछले 7 दिनों से जो घटनाक्रम चल रहा है उसमें जो उधर से गोलियां आ रही हैं, उसका मुंहतोड़ जवाब जो है वो हम लोगों के द्वारा दिया जा रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर साजिश का दौर चल पड़ा है। आतंकी और सेना मिलकर खतरनाक खेल खेल रही हैं। आगे की मोर्चे पर पाक सेना आ गई है जो रेंजरों की वर्दी में है। उनके सिविलियन पॉपुलेशन और एज वेल उनके जो है वो रेंजर्स और बाकी आर्म फोर्सेस को भी जो है वो काफी क्षति पहुंची है। तब तक पाकिस्तानी रेंजर्स की कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं, क्या नंबर है? वो कम से कम जो है वो स्नाइपिंग के बाद वाले फिगर वो कंटिन्यू कर लें तो करीब 15 के आसपास है। पाक रेंजर और सेना मोर्टार और स्वचलित हथियारों से रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही हैं। कल शाम 5:30 बजे शुरू हुई फायरिंग पूरी रात जारी रही। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कठुआ, हीरानगर, आरएसपुरा, सांबा, अरनिया सेक्टर को पाक रेंजर्स ने निशाना बनाया तो एलओसी से लगते तंगधार, अखनूर, मेंढर, पूंछ सेक्टर के बालाकोट, मनकोट और रजौरी सेक्टर के सुंदरबनी के फॉरवर्ड पोस्ट और ग्रामीण भी पाकिस्तानी रेंजर्स के निशाने पर थे। जानकारी के मुताबिक 30 से ज्यादा बॉर्डर आउटपोस्ट और आर्मी पोस्ट के अलावा 35 गांवों को पाक रेंजरों ने फायरिंग से निशाना बनाया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी पाक फायरिंग पर बोले। उन्होंने कहा कि सीमा महफूज है, हमारे जवान मुस्तैद हैं। पूरी मुस्तैदी है, चिंता मत करो, पूरी मुस्तैदी है। कहा गया कि राजनाथ सिंह ने ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि एक के बजाय आप अगर वो एक फायर करें तो आप 10। क्या किया है उसके संबंध में मुझे कुछ कोई चर्चा नहीं करनी है, लेकिन बस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों पर हम सबको पूरा यकीन है, देश को भी यकीन है और उनकी बहादुरी पर हम सबको नाज है। 28 सितंबर को भारत ने पीओके में घुसकर सर्जिकल ऑपरेशन किया था। सर्जिकल स्ट्राइक के 1 महीने पूरे होने को हैं, लेकिन पाकिस्तान के हरकतों से लगता है कि अभी उसे और सर्जरी की जरूरत है। मंजीत नेगी के साथ अश्विनी कुमार, जम्मू आज तक।